आज घर पे बहुत सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आई थी, तो मैंने सोचा चलो इन सारी सब्जियों को मिक्स करके कुछ बना लिया जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कढ़ाई में पहले से ही कुछ बन चुका है। मैंने इस कढ़ाई में तेल गरम करके लंबे कट्टे प्याज तले हैं, पर प्याज तलते समय मैं वीडियो ऑन करना भूल गई, इसलिए मैंने प्याज की वीडियो नहीं डाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्याज को लंबे कट करके मैंने डीप फ्राई करा है गोल्डन ब्राउन होते तक। इसके बाद मैंने सारी सब्जियों को, जितनी भी सब्जियां मुझे बिरयानी में यूज़ करनी है, सारी सब्जियों को मैंने डीप फ्राई करा। सब्जियों में मैंने लिया है गाजर, आलू, शिमला मिर्च, फूलगोभी, मटर, कुंदरू, सोयाबीन, और बीन्स मेरे पास नहीं थी तो मैंने बीन्स को स्किप कर दिया। सारी सब्जियों को मैंने डाइस में कट करके 70% तक डीप फ्राई कर लिया। सब्जियां डीप फ्राई कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए रखा। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने पहले आधा घंटा सोख करके रखा हुआ था। इसके बाद मैंने इसे फुल फ्लेम में रोरिंग बॉईल आते तक बॉईल किया। इसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया और साथ के साथ मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च, दोनों इलायची, मीठी लकड़ी और नमक। और चावल को 90% तक बॉईल करने के बाद मैंने इसे थाली में फैला लिया। जब तक मैंने चावल ठंडे करने के लिए रखे हैं, तब तक मैं यहाँ पे मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में तेल गरम किया। इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली और लंबे कट्टे प्याज डाल दिया। और यहाँ गरम मसाले के साथ साथ मैंने जीरा और शाही ज़ीरा दोनों ऐड किया है। अब प्याज को मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकाया है। प्याज में हल्का सा कलर आ जाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट के लिए इसे पकाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया टोमेटो प्यूरी। यहाँ मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ली है और साथ में ही मैंने कुछ मसाले ऐड कर लिए, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला या फिर बिरयानी मसाला। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने टमाटर को लो फ्लेम में ढककर पकने के लिए रखा। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में टमाटर अच्छे से पक गया है और तेल अलग हो चुका है। अब यहीं पे मैंने फिर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा हींग, पुदीना और हरा धनिया ऐड किया। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डीप फ्राई की हुई सब्जियाँ ऐड कर ली। सब्जियों को ऐड करने के बाद हम सारे मसालों में सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और अगर नमक कम ज़्यादा लगे तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सोयाबीन ऐड किया। सोयाबीन को मैंने आधे घंटे के लिए सोख करके रखा हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से बॉईल किए हुए मटर ऐड कर लिए। मटर को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया आधी कटोरी दही। हमें खट्टी दही नहीं लेनी है, नॉर्मल दही लेनी है। और दही को मैंने ऐड करने से पहले फेंट लिया था। हमारा मसाला यहाँ बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बरिस्ता, जो प्याज मैंने डीप फ्राई किया था, थोड़ा सा शाही बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाला यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और हम बिरयानी को दम देने की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है, सिर्फ हम एक ही लेयर करेंगे। तो सबसे नीचे लेयर में हमारी सब्ज़ी है जो हमने फ्राई कर ली थी। इसके बाद सेकंड लेयर में मैंने चावल फैला लिए। मैंने जितने चावल बॉईल किए थे सारे फैला लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं धनिया, पुदीना, बरिस्ता, थोड़ा सा नींबू का रस, रेड कलर, ग्रीन कलर, 1 चम्मच घी और अगर आपके पास केवड़ा अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला और मैजिक मसाला स्प्रिंकल किया और इसे ढक दिया। अगर आपको लगे कि कहीं से एयर निकल सकता है तो उस जगह को आप पैक कर लेंगे। अब मैंने एक तवा लिया और इसे फुल फ्लेम में गर्म किया। 5 मिनट तक हम तवा गर्म करने के बाद कढ़ाई को गरम तवे पे रखेंगे और 5 मिनट तक फुल फ्लेम में रहने देंगे। इसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में दम होने देंगे। और आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर रेडी है।